बार उठाया गया है रिकॉर्ड तोड़ने वाले 1.35 Kbps DDoS हमले के बाद अधिक प्रवर्धित हमलों की उम्मीद थी। किसी ने केवल 4 दिनों के बाद ही एक नया रिकॉर्ड बनाया है। -1.7 Kbps DDoS हमले नेटवर्क सुरक्षा और निगरानी कंपनी आर्बर नेटवर्क का दावा है कि इसके एटलस ग्लोबल ट्रैफिक और DDoS खतरे डेटा सिस्टम ने अपने अनामा अमेरिका आधारित ग्राहक की वेबसाइट पर से के खिलाफ 1.7 Kbps प्रतिबिंब प्रवर्धन आक्रमण दर्ज किया है। GitHub पर पिछले हफ्ते DDoS हमले के समान नवीनतम हमले के विशाल बैंडविड्थ को इंटरनेट पर उजागर हुए हजारों गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए जाने वाले मेमकैच सर्वरों द्वारा 51,000 के एक कारक द्वारा विस्तारित किया गया था। मेमकैच एक लोकप्रिय ओपन सोर्स वितरित स्मृति कैशिंग प्रणाली पिछले हफ्ते पहले खबर में आया था, जब शोधकर्ताओं ने बताया कि कैसे हमलावरों ने दुश्मन आईपी पते का उपयोग करते हुए पोर्ट 11211 पर लक्षित मेमचिट सर्वर पर जाली अनुरोध भेजकर प्रवर्धन DDoS हमले को प्रक्षेपण करने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। शिकार की आईपी कमजोर सर्वर पर भेजे गए अनुरोध के कुछ बाइट लक्षित आईपी पते के खिलाफ हजारों बार बड़ी प्रतिक्रिया को बढ़ा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली DDoS हमले हो सकते हैं। इस बीच शोधकर्ताओं ने ये भी नोट किया है कि पीड़ितों से पैसे उगाहने के लिए असुरक्षित मेमकैच किए गए सर्वरों के माध्यम से साइबर अपराधियों ने DDoS के हमलों को हथियार बनाने शुरू कर दिया है। गीताहट के खिलाफ पिछले हफ्ते 1.3 Kbps DDoS हमले के बाद अकमाई ने कहा कि इसके ग्राहक आमतौर पर जंक भरे हमले के पेलोड के साथ दिए गए जबरन वसूली संदेश प्राप्त कर रहे हैं, जो उन्हें $1,500 से अधिक मूल्य की 50 XMR मोनरो सिक्कों के लिए पूछ रहा है। आर्बर नेटवर्क ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, जहां तक इंटरनेट समुदाय कई खुले मेमकैच सर्वरों तक पहुंच बंद करने के लिए एक साथ आ रहा है, वहां मेमकैच पर चलने वाले सर्वरों को खुले आम चलने वाला यह एक स्थायी भेद्यता बना देगा, जो कि हमलावरों का शोषण करेंगे। प्रतिबिंब प्रवर्धन हमले नए नहीं हैं। हमलावरों ने पहले से ही साइबर हमलों के पैमाने को अधिकतम करने के प्रयास में DNS, NTP, SNMP, SSIDP, CLDAP, चार्जन और अन्य प्रोटोकॉल में खामियों का फायदा उठाने के लिए प्रतिबिंब प्रवर्धन DDoS हमले की तकनीक का इस्तेमाल किया है। हालांकि नवीनतम हमले के वेक्टर में हजारों गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए मेमकैच किए गए सर्वर शामिल हैं, जिनमें से कई अभी भी इंटरनेट पर उभर रहे हैं और अन्य लक्ष्यों के तुरंत बाद संभावित बड़े पैमाने पर हमले शुरू करने के लिए उनका शोषण किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में ऐसे अधिक हमले देखने की उम्मीद है। मेमकैच किए गए सर्वरों को रिफ्लेक्टर के रूप में दुर्व्यवहार करने से रोकने के लिए हम उपयोगकर्ताओं को एक फायरवॉल को स्थापित करने के लिए आग्रह करते हैं, जो केवल स्थानीय नेटवर्क से मेमकैच किए गए सर्वर तक पहुंच प्रदान करना चाहिए। प्रशासक को भी बाहरी ट्रैफिक से बचने पर विचार करना चाहिए। मेमकैच उदाहरण के लिए 11211 पोर्ट डिफॉल्ट रूप से उपयोग किया जाता है और ब्लॉक के अंदर सीमित UDP या उपयोग में नहीं होने पर पूरी तरह से अक्षम UDP समर्थन